इस लेसन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम लास्ट लेसन में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक दफा दोबारा रिपीट करती हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p ओवर q जो है, इट मीन्स कि ये एक फ्रैक्शन हो सकता है रैशनल नंबर। जैसे आप लिख दें सपोज 1/6, 3/9 और 5/8, राइट, ये एक फ्रैक्शंस हैं। आप न्यूमिरेटर में भी कुछ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखते हैं, ये फ्रैक्शन होते हैं। p एंड q, ये एक जनरल मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, इसकी जगह आप a/b भी कर सकते हैं, c/d भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक खास बात ये है रैशनल नंबर की, ये q जो भी आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है रैशनल नंबर की कि आप फ्रैक्शन में लिखेंगे लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, राइट। ये सेम थिंग इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिखी गई है कि रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन एज p/q। p/q मींस फ्रैक्शन, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और ये जो है ये इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, q इज नॉट अ जीरो, q डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। और जब हम इसको डेसिमल में लिखते हैं, मीन्स हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, या तो ये टर्मिनेट हो जाते हैं या ये रिपीट होते हैं, राइट। टर्मिनेट होते हैं, रिपीट होते हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। आप काइंडली उस लेक्चर को सुन लें, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं q से, और लिखने का तरीका क्या है कि p/q मीन्स फ्रैक्शन। सपोज 1/6, ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट करती है वाइल को। ये हम मैथ्स में जब वाइल लिखते हैं तो हम ये करते हैं वाइल p एंड q, और ये सिंबल है belongs to z और z, और z क्या है, z इंटीजर्स है 1, 2, 3, 4। ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता है एंड को, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सेम डेफिनेशन जो ऊपर लिखी गई है, इसको हम q इज इक्वल टू, हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं मैथमेटिक्स में, p/q वाइल p q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक दफा मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, p/q वाइल p q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, सेम डेफिनेशन। अब हम few क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। करना क्या है हमने, हाउ टू पुट रैशनल नंबर्स इन ऑर्डर, राइट, पुट दीज नंबर्स इन ऑर्डर। हमने ऑर्डर में लिखने हैं ये रैशनल नंबर्स, और आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि ऑर्डर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, सबसे पहले हमने सबसे बड़ा लिखना होगा और उसके बाद हमने छोटा छोटा करके जाएंगे। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, देखें ये है p/q। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि p/q, p और q इंटीजर्स होते हैं, यहाँ 4, 5, 6, 9, 2 ये लिखे हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर q जो है ये जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आपने मेमोराइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है। पहला पॉइंट है कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो। अगर आपके पास पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 है तो वो जीरो से सब बड़े नंबर हैं, और अगर नेगेटिव 1, 2, 3 है तो वो जीरो से छोटे हैं, राइट। सबसे पहले आपने इन नंबर्स को डेसिमल में लिखना है, तो डेसिमल में लिखने के लिए 4/5 ये जो पहला है इसको आप कैलकुलेटर से काट के देख लें, या आप इसको मैनुअली कट करें तो आपके पास आएगा 0.80। 6/9 इक्वल टू 0.67, 2/9 इज इक्वल टू 0.22, ये आपके पास आ गए। इस क्वेश्चन में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव को डिस्कस कर रहे हैं, और इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, 0.80। सेकेंड पे आता है 0.67, 0.22। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, अगेन आपने यहाँ देखना है कि क्या ऑर्डर पूछा है, आर 0.80 एंड 0.67, 0.22। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.80 इज ग्रेटर देन 0.67, ग्रेटर देन 0.22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम थिंग है इसमें भी, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। यहाँ पे -8 माइनस इंटीजर आ गया है, लेकिन आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये फ्रैक्शन नहीं है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, इट मीन्स कि इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब क्या है, सेम थिंग कि पॉजिटिव इंटीजर जो है +1, 2, 3 आपके जीरो से बड़े होते हैं, -1, 2, 3 जीरो से कम होते हैं। सबसे पहले आपने इनको अरेंज करना है ऑर्डर में, 1/8 इज इक्वल टू 0.125,
3 over 9 is equal to 0.333 और minus 8 is equal to minus 8 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इसका denominator 1 है, आप divide करके देख ले तो minus 8 आएगा। किस order में आपने arrange करना है इसको, greatest to least, तो greatest इसमें सबसे बड़ा है 0.333, second पे आपके पास जी आएगा और third पे आपके पास जी आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 0.333 is greater than 0.125 is greater than, और देखें ये greater than का sign है, ये lesser than का sign है। Last slide में जो मैंने ऐसे sign बनाया था वो होता है and का sign, right? एक और question हम solve करते हैं, इसमें और पिछले वाले में क्या difference है कि इसमें हमारे पास दो fraction negative के हैं और दो हमारे पास positive के हैं। ये सेम पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे हैं हर स्लाइड्स पे ताकि आप इसको पढ़ लें आराम से और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। -4/5, 1/9, 2/9 इसको आप सिंपल सिंपलीफाई कर लें, चाहे तो मैनुअली कर सकते हैं चाहे तो कैलकुलेटर पे कर लें, आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। इसमें से आपने डिसाइड करना है कौन किस ऑर्डर में लिखना है, ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। तो इसमें सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, 0.22 सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है 0.111, राइट फिर आपके पास आता है 0.4 और फिर आपके पास आता है 0.8, राइट तो आपके पास सबसे बड़ा हुआ 0.822 इज ग्रेटर देन 0.111 इज ग्रेटर देन 0.4 इज ग्रेटर देन -0.8। देखें ये नेगेटिव का है और ये भी नेगेटिव का है, इसलिए हमारे पास -0.4 पहले आएगा, ये ग्रेटर है और ये माइनस है इसलिए इससे छोटा है, राइट। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है लेकिन आपने इसका ऑर्डर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट निकालना है। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट सबसे पहले हमने सबसे छोटा निकालना होगा। इसमें हमारे पास देखें ये भी एक हमारे पास है रैशनल नंबर है लेकिन विद नेगेटिव साइन है, ये भी रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। सेम पॉइंट यहाँ मैंने लिखे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 0 से बड़े होते हैं और नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटे होते हैं। आप इसको सॉल्व करके देख लें, आपके पास ये आंसर आएगा, ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है। तो आपने लिखना कैसे है, लीस्ट इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, -4 सबसे छोटा है, उसके बाद आपके पास है -0.111, फिर ये है 0.6 और लेसर देन 0.88। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, -4 इज लेस देन -0.111 इज लेसर देन 0.6 इज लेसर देन 0.88, राइट। सो ये हमने रैशनल नंबर सीखे कि रैशनल नंबर्स को हम ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को यूट्यूब पे प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।